नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और अभी अभी डीआरडीओ ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक नोटिस दिखेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी अभी एक नोटिस जारी हुआ है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डीआरडीओ रिक्रूटमेंट सेप्टम नोटिस। तो फ्रेंड्स इस पर जाकर के आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बहुत बुरी खबर आई है। क्योंकि फ्रेंड्स यदि आपने डीआरडीओ एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किया था तो मैं आप सभी को पहले भी कह रहा था कि आप इस पर फोकस कीजिए। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे डीआरडीओ एमटीएस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डीआरडीओ एमटीएस, तो नीचे की तरफ जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको यहाँ पर एक नोटिस दिखाई देगा। जैसा कि आप सभी देख पाएंगे, इट्स हियर बाई इन्फॉर्मेड दैट द फ्यूचर प्रोसेसिंग फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट डीआरडीओ एंट्री टेस्ट 2019-20 एमटीएस एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेट 21 से 27 दिसंबर 2019 स्टैंड्स कैंसल्ड। यानी कि आपकी जो वैकेंसी डीआरडीओ एमटीएस की निकली थी वो रुकी हुई थी। 2019 में इसका फॉर्म अप्लाई किया गया था, वो रुकी हुई थी। तो उनको यहाँ पर जो है डीआरडीओ एमटीएस ने यानी रक्षा मंत्रालय ने कैंसिल कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बुरी खबर है। सभी छात्र लगभग 40 लाख स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म अप्लाई किया था और ये 1817 वैकेंसी थी। और मैं बार बार कह रहा था कि आपकी भर्ती जो है वो कैंसिल कर सकता है रक्षा मंत्रालय यानी डीआरडीओ एमटीएस। तो ये डीआरडीओ एमटीएस की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, तो आपकी भर्ती जो है वो कैंसिल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप सभी को अब एकजुट होकर के अपने, आप सभी देख पा रहे होंगे इसमें फीस भी स्टूडेंट से वसूली गई है। तो आप यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अब पहले ट्विटर कीजिए, उसके बाद फिजिकल प्रोटेस्ट भी करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बहुत बड़ी भर्ती थी, 1817 वैकेंसी बहुत होती हैं और यहाँ पर 2.5 साल इंतजार कराने के बाद इन्होंने भर्ती को कैंसिल कर दिया है। तो ये आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर जो है आवाज़ उठानी होगी, अपने हक के लिए लड़ना होगा। तो फ्रेंड्स ये सारी जानकारी आप सभी को देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।